वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते आम जनमानस अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं और इस बीमारी से बचने के लिए जनता भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं इस कोविड-19 से गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए महिला विशेषज्ञ डॉक्टर आरती गुप्ता से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह कोविड-19 पिछले वर्ष से इस वर्ष ज्यादा भयंकर है। ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को इस वक्त अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा और समय समय पर जो भी टेस्ट होते हैं उन्हें तो जरूर कराएं, लेकिन साथ में कोविड-19 का भी टेस्ट अवश्य कराएं। डॉक्टर आरती गुप्ता ने बताया कि इस वक्त महिलाओं को हरी सब्जी और विटामिन से जुड़ी हुई चीजों का सेवन करना चाहिए। साथ ही बताया कि महिलाओं को इस वक्त मास्क का प्रयोग, समय समय पर हाथ धोना व भीड़ से दूर रहना उचित रहेगा। गर्भवती महिलाएं जब भी अपना चेकअप कराने जाएं तो डॉक्टर को फोन करके पहले समय ले लें, जिससे कि गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल में जाकर इंतजार ना करना पड़े। कोरोना एक अपने आप में बहुत ख़राब बीमारी है और प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है। इसमें ये नहीं है कि कोरोना ही सबसे ज़्यादा होगा कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा होगा, बाकी सभी बीमारियाँ जो प्रेगनेंसी में होती हैं जैसे फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये सभी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होने की वजह से ज़्यादा होती हैं, अतः कोरोना भी ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो इसमें गर्भवती महिलाओं को स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें मास्क हमेशा लगा कर रखना चाहिए। दूसरा, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करते रहना चाहिए। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, सब जनों को 2 गज की दूरी किसी भी इंसान से अपनी बना कर रखें। दूसरा, सेल्फ आइसोलेशन, मतलब खुद से कहीं भी पार्टीज़ वगैरह में नहीं जाएं। इवन डॉक्टर के पास भी जाना है तो कोशिश करें टेली कंसल्टेशन करें, खुद से वहाँ नहीं जाएं। और या ज़रूरत है जैसे ब्लड टेस्टिंग्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, उनके लिए हमें कई बार जाना पड़ता है, या कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज हैं, ब्लीडिंग है या बहुत पेन है जिसके कारण आप डॉक्टर के पास विजिट करना आपका अनिवार्य है, तब आप पहले से अपॉइंटमेंट लें ताकि वहाँ ज़्यादा ना बैठना पड़े। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। डाइट, जैसे डाइट में आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें खाएं, जैसे नट्स यानी कि बादाम, अखरोट भिगो के खा सकते हैं। उसके अलावा हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, नींबू ज़रूर लें और नॉर्मल आयरन, कैल्शियम, वाइटमिन सी ये सब प्रेगनेंसी में बढ़ा दें, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। और तीसरी बात, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लें। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मल कई बार फ्लू की तरह भी जाती है। डॉक्टर अनुराग गुप्ता ने कहा कि यह बीमारी काफी गंभीर है और इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे कि हाथ धोना, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, डॉक्टर से सलाह लेकर समय समय पर चेकअप कराना, जिससे कि इस महामारी से बचा जा सके और जितना हो सके लोग अपने घरों में ही रहें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए ही लोग घर से बाहर निकलें ताकि कोविड-19 की इस चेन को तोड़ा जा सके। इस समय जो कोरोना चल रहा है, अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो ये बहुत भयानक रूप में है। ना ही हमने इसकी कोई इस तरह से तैयारी कर रखी थी, ना ही इस तरह का कोई हमें उम्मीद थी कि इस तरह से ये वायरस हम लोगों को अटैक करेगा, जबकि हम लोगों को लगा था ये वायरस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब इससे बचने का, क्योंकि ये वायरस बहुत स्मार्ट है, तो इससे बचने का तरीका ये है कि हमें इससे स्मार्ट बनना पड़ेगा, हमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक, हम लोग आए दिन देखते हैं, हर मरीज से पूछता हूँ घर में थर्मामीटर है कि नहीं है, 10 में से 9 लोग बोलते हैं कि थर्मामीटर भी नहीं है, जबकि बुखार आ रहा होता है। तो मेरी हर एक से अपील है कि हर एक के पास एक थर्मामीटर होना चाहिए, आज की डेट में एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, ताकि कोई भी बीमारी अगर जरा सी भी स्टार्ट हो रही हो तो हम उसको तुरंत पकड़ लें, तुरंत इलाज हो जाए, तुरंत टेस्टिंग हो जाए। इससे हम जो उसके दुष्प्रभाव है और जो हम देख रहे हैं आज जो हाल चल रहा है उससे हम बच सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइज़र है, हर थोड़ी देर में हमें अपने हाथ वॉश करने चाहिए, इस तरह के रिमाइंडर हमें लगाने चाहिए। देखिए मैंने लगा रखा है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, गार्गल, ताकि हमें भी याद रहे हर थोड़ी देर में हमें सांस लेनी है। इस तरह की हमें गर्म पानी की व्यवस्था अपने पास आसपास रखनी चाहिए, केटल रखी हुई है। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वायरस शायद हमें अटैक नहीं कर पाएगा। अच्छा, इस समय लोगों को क्या खाना चाहिए, जैसे हमें क्या खान पीन कैसा रहना चाहिए, ये लोगों से क्या अपील करेंगे? इस समय एक जनरल हम हर एक को बोलते हैं विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है ये ज़्यादा लेना है, जिंक ज़्यादा लेना है, डाइट बहुत अच्छी लेनी है, प्रोटीन डाइट लेना है। अच्छी डाइट रखेंगे, अच्छा हाइजीन रखेंगे तो ऑब्वियसली हम इस वायरस से अच्छे से फाइट कर सकते हैं।